हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी का डोज। दोस्तों, क्या आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, उम्र से पहले सफेद हो रहे हैं और बालों की ग्रोथ बिल्कुल रुक गई है? तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही, आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। इसलिए वीडियो बिल्कुल ध्यान से लास्ट तक देखिएगा, तभी आप समझ पाओगे कि इसको कैसे बनाना है और कैसे इस्तेमाल करना है। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मुझे जरूर बता दें आप कहाँ कहाँ से हमारी वीडियो को देख रहे हैं, ताकि हम पता लगा सकें कि हमारी वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुंच रही है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको लेना है सबसे पहले कलौंजी। कलौंजी में ऐसे गुड़ होते हैं जो आपके बालों को नेचुरली काला बनाते हैं, घना बनाते हैं और मजबूत बनाते हैं। कलौंजी आपको बहुत आसानी से राशन की शॉप से मिल जाएगी। वैसे तो कलौंजी हर घर में अवेलेबल होती है, क्योंकि इसका इस्तेमाल अचार वगैरह में किया जाता है और ये ज्यादा महंगी भी नहीं होती है। इसका इस्तेमाल करने से बाल नेचुरली कुदरती काले हो जाते हैं, फिर आपको भविष्य में कोई भी डाई इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो सबसे पहले हम ले लेनी है कलौंजी। कलौंजी को हम डाल देंगे एक कढ़ाई में। उसके बाद जो दूसरा इंग्रेडिएंट हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं वो है लौंगे। लौंगों में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज पाई जाती है, जो आपको डैंड्रफ की समस्या को दूर करती है, ब्लड सर्कुलेशन में सहायक होती हैं, जिससे नए बाल उगने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है और डैंड्रफ की समस्या दूर होने से बाल जो आपके कमजोर हो रहे होते हैं वो मजबूत बनते हैं और हेयर फॉल रुकता है। तो यहाँ पर हमने लौंगे ले ली है, इसे भी हम कढ़ाई में डाल देंगे और दोनों चीजों को हमें ड्राई रोस्ट करना है। कम से कम 2 से 3 मिनट तक इनको अच्छे तरीके से ड्राई रोस्ट करना है। लो फ्लेम पे ध्यान रहे, ये जलने ना पाए। ड्राई रोस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको ले लेना है यहाँ पर नारियल का तेल। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। और अगर नहीं है तो आप नारियल के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं नारियल के तेल में इसको बना रही हूँ, यहाँ पर मैं नारियल का तेल डाल दिया है। उसके बाद कम से कम आपको 5 से 10 मिनट तक इसको लो फ्लेम पे बहुत अच्छे तरीके से आपको पकाना है। जब प्रॉपर दोनों इंग्रेडिएंट एक दूसरे में मिक्स हो जाए अच्छे तरीके से, तो इसको छान लीजिए। अब बारी आती है सबसे खास और मेन इंग्रेडिएंट इसमें ऐड करने की, जो है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल आप सभी को पता है फ्रेंड्स, बालों को कितना ज्यादा मजबूती देता है, बालों को कितना ज्यादा घना बनाता है और कितना ज्यादा लंबा बनाता है। इसलिए सिर्फ 1 चम्मच कैस्टर ऑयल आपको इसमें ऐड करना है। सिर्फ 1 चम्मच कैस्टर ऑयल ही बालों को मजबूत बनाने के लिए काफी है। अच्छे तरीके से इस तेल में हम मिक्स कर देंगे, फिर उसके बाद इस तेल को हम एक जार में कन्वर्ट कर देंगे। इस तेल को आप 1 से 2 महीने तक आराम से स्टोर करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। आपको करना क्या है, इसको इस्तेमाल अब आपको कैसे करना है, सिर्फ और सिर्फ अगर आपके पास ज्यादा समय है तो हफ्ते में 2 से 3 बार इसका इस्तेमाल कर लें, और अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं रहता है तो आप 15 दिन में कम से कम 2 बार इस हेयर ऑयल का जरूर इस्तेमाल करें। रात को सोते टाइम इस हेयर ऑयल से अपने स्कैल्प में मसाज करें, जिससे ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत अच्छा होगा और जो इंग्रेडिएंट इसमें मिले हुए हैं वो इंग्रेडिएंट आपके बालों के साथ बहुत मैजिकल वर्क करेंगे। देखिएगा, यकीनन 1 महीने में ही आपकी हेयर ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी। हेयर फॉल तो ये 1 से 2 बार के इस्तेमाल में ही बिल्कुल खत्म कर देता है। इस तेल को बच्चे बूढ़े सभी इस्तेमाल कर सकते हैं, लड़के लड़कियां दोनों ही इस तेल को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपको भी ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा।